छत्तीसगढ़ के बालोद में बीजेपी जिलाध्यक्ष कृष्णकांत पवार ने केंद्रीय बजट 2023 पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे लोक कल्याणकारी बजट बताया है। उन्होंने कहा है कि गरीब पिछड़े नौकरी पेशा वर्ग के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में नए प्रयोगों को बढ़ावा देने के लिए युवाओं के मध्य स्टार्टअप की योजना बनाई गई है। इसके लिए एग्रीकल्चर फंड की स्थापना की गई है। अब तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 11.4 करोड़ किसानों को 2.2 करोड़ की राशि सीधे उनके खातों में जमा की जा चुकी है। योजना अनावृत जारी रहेगी। वहीं नगरपालिका अध्यक्ष विकास चोपड़ा ने वित्त मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि बजट निर्मला जी का निर्मम बजट है, ना इसमें युवाओं के लिए कोई सुविधा है, ना किसानों की आय दोगुनी करने की बात, महिलाएं, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जातियों के लिए कुछ नहीं है। निश्चित रूप से अभी माननीय सीतारमन जी ने जो बजट पेश किया वो फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की जो परंपरा रही है उसी के तहत काम किया गया, दिखावे का बजट है और लोगों को कोई इसमें राहत नहीं है। जो लोग बात करते थे कि कृषि को आय दुगना कर देंगे, वो लोग पिछले बार जब वो लोग बजट उसमें लाए थे तो 1024 करोड़ रुपए था, अब 1025 करोड़ रुपए, 1000 करोड़ रुपए का उन लोग बढ़ोतरी करके वो बोलेंगे कि अगर आय दुगनी हो जाएगी तो संभव नहीं है। इसी तरीके से पूरे बजट को दिखाने का ही प्रयास है। बजट कोरोना से प्रभावित होकर कोरोना के लिए ज्यादा खर्च हुआ था, परंतु इस बार सबसे ज्यादा राहत देते हुए जनता को इस बजट को बनाया गया है और बजट में सभी लोगों के लिए प्रावधान है, खासकर जो मध्यम वर्ग छूट जाता था उसको भी ध्यान रखते हुए इस बजट को बनाया गया है।